हाजिर सर्विस भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आलमी अदालत ने 21 फरवरी को इसका फैसला महफूज किया था और फैसला सुनने के लिए पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की जेर कयादत हेग में मौजूद है। Commander Kulbhushan Yadav of the Indian Navy. I have been directing various activities in Baluchistan and Karachi. India trying to destroy Pakistan. About 2 years back while working with RAW. The position is clear. It's India that needs to answer questions, not Pakistan. आलमी अदालत इंसाफ में हाजिर सर्विस भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव के मुकदमे की समाअत पाकिस्तान और भारत की जानिब से दो दो जवाब दाखिल करवाए गए। पाकिस्तानी वकला ने भारतीय मौकफ की धज्जियां उड़ा दी। भारत अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के वकला ने सवाल उठाया कि भारत ने कुलभूषण की शहरियत का एतराफ नहीं किया तो कौंसलर रसाई का मुतालबा कैसा। भारत ये साबित करने में भी नाकाम रहा कि कुलभूषण भारतीय बहरिया से कब और किस तरह रिटायर हुआ, क्योंकि पकड़े जाने के वक्त कुलभूषण की उम्र 47 वर्ष थी और ये कि कुलभूषण के पास जाली शनाख्त के साथ असली पासपोर्ट कैसे आया। पासपोर्ट को कुलभूषण ने 17 बार भारत आने जाने के लिए इस्तेमाल किया। पासपोर्ट में कुलभूषण का नाम हुसैन मुबारक पटेल दर्ज था। इन हकायक के मुकाबले में भारत के पास कोई ठोस दलील नहीं थी। कुलभूषण 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ। 24 मार्च को एतराफी बयान की वीडियो जारी की गयी। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ किया। अप्रैल 2016 में कुलभूषण यादव के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। केस फौजी अदालत में चला और दहशतगर्दी का जुर्म साबित होने पर उसे सजाए मौत मिली। 8 मई 2017 में भारत ने कुलभूषण की फांसी रुकवाने के लिए आलमी अदालत से रुजू किया। 15 मई को भारतीय दरख्वास्त पर समाअत का आगाज हुआ। 18 मई 2017 को आलमी अदालत ने फैसले में मुकदमे के हतमी फैसले तक कुलभूषण की फांसी रोक दी। पाकिस्तान शैल टेक ऑल मेजर्स एट इट्स डिस्पोजल to ensure that Mr. Yadav is not executed pending the final decision in these proceedings. केस पर 18 से 21 फरवरी 2019 के दौरान समाअत मुकम्मल और फैसला महफूज कर लिया गया। बाद में फैसला 17 जुलाई को सुनाने का ऐलान किया गया।